हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एवरग्रीड के बारे में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना चुका हूं 2 दिन पहले, जब मार्केट में अचानक से गिरावट हुई थी। और इसके पीछे का रीज़न जो है वो एवरग्रीड ग्रुप करके कंपनी है चाइना की। चाइना की 2 नंबर से सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और खास करके रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करने वाली ये कंपनी है। इसमें अभी हो या रहा है, ये कंपनी लगभग बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। इनमें कहा जा रहा है कि हाल ही में इनका जो पेमेंट ड्यू है, मेरे ख्याल से लगभग 50 बिलियन डॉलर का टोटल, इनको 300 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्जा है, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है लगभग 54 मिलियन US डॉलर। ये बॉन्ड का जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है। और यहाँ पर ये अगले महीने कंपनी करने के हालत में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके तरफ इस तरह से कुछ देखा जा रहा है कि आगे चल करके ये लेमन ब्रदर वाला सीन ना कर दे, जिस तरह से लेमन ब्रदर दिवालिया हुआ था और पूरा का पूरा दुनिया का मार्केट उसने गिरा दिया था। उसी तरह की कुछ फंडिंग कैपेसिटी, या मैं कहूँगा इकोनॉमिकल इफेक्ट जो है वो एवरग्रैंड भी रखता है। हालांकि दोनों कंपनीज अलग है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। एक पूरी तरह से बैंकिंग में थी और एक कंस्ट्रक्शन में है। बट हाल ही में यहाँ पर हमें देखने को मिला है रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट वो चीज़ होती है दोस्तों, जो एक आपने देखा होगा, एक कुछ रिपल्स हम लोग लग देते हैं और इससे अगर पुश कर दे, कार्स वो बेसिकली होते हैं, एक को गिरा दे तो वो सीधे आगे चल करके एक दूसरे को गिराते चले जाते हैं। एग्जैक्टली इसे रिपल इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर कंपनी को पता है, चाइना को पता है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये डेफिनेटली रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी, खास करके चाइना में, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कुछ रूल्स हैं वो थोड़े टाइटन, यानी थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। और उसी के चलते ये कंपनी अपने फ्लैट सस्ते में बेच कर भी अपने लोन को नहीं चुका पा रही है। लोन तो छोड़िए, इंटरेस्ट को भी ये नहीं चुका पा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने परसों का इफेक्ट देख लिया कि अगर ये मार्केट बंद होते हुए दुनिया के मार्केट गिरा सकते हैं। हमने देखा इंडियन मार्केट गिरा, डाउ जोन्स भी गिरा, यूरोपियन मार्केट भी गिरा, साथ में जापान, चाइना, इनके मार्केट बंद थे, इसलिए ये बच गए उस दिन के गिरावट से। बट हाल ही में ये बात यहाँ तक नहीं रुकती है, जिस तरह की न्यूज़ आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तैयारी जो है वो कर ली। क्योंकि चाइना इस मूवमेंट पे किसी भी तरीके से ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि वो देख रहा है कि वो एक बड़ी इकोनॉमी बनते हुए जा रहा है और यहाँ पर काफी ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर ऐसी बड़ी कंपनी डूब जाती हो तो रिपल इफेक्ट से, जैसे कहा, यहाँ पर और भी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग पैसे निकालना शुरू कर देंगे, मार्केट में गिरावट आ जाएगी। जब चाइनीज इकोनॉमी में गिरावट आ जाएगी तो आपको पता है वापस से नीचे जाकर के ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। हम लोग देख चुके हैं जब एक बार क्रैश हो जाता है मार्केट, हालांकि इंडिया ने देख चुका है क्रैश, बट उसके चलते बहुत ही जल्दी हम लोग जे कर्व करके ऊपर आ चुके हैं और भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन लेमन ब्रदर जैसा अगर कुछ इफेक्ट हो जाता है तो चाइनीज मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट भी हिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंडिया बुल्स का गिरावट देख चुके हैं, पीएनबी हाउसिंग में, एचडीएफसी में गिरावट उस दिन हम लोग देख चुके हैं। फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में रहते हो, चाइना में रहते हो, इफेक्ट इफेक्ट होता है दोस्तों। और चाइनीज गवर्नमेंट इसी इफेक्ट को रोकने की तैयारी कर रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कुछ आर्टिकल पे बातें हैं छपी हुई वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, ये बातें हैं। जैसे चाइना प्रिपेयर कर रहा है कि भाई ये डाउनफॉल को किस तरह से मैनेज किया जाए। अपनी लोकल अथॉरिटीज को उन्होंने टास्क जो है वो अलॉट करके रखे हुए हैं। चाइनीज अथॉरिटीज आर आस्किंग लोकल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल डाउनफॉल ऑफ डेट रिडन चाइना एवरग्रेड ग्रुप। यहाँ पर इन्होंने लोकल अथॉरिटीज को जो है वो टास्क असाइन कर दिए गए हैं कि किसको क्या करना है, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये गिर जाती है तो एक पॉसिबल स्टॉर्म क्रिएट हो जाएगा और ये बाकी के सारे मार्केट को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्केट को भी गिरा सकने का इफेक्ट ये रखता है। चाइना का कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों, और अगर इनको 50 बिलियन, मैं बोला 50 मिलियन, ये लगभग देखिए आपसे तो 83 मिलियन डॉलर का इनका बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, वो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है। ये लोकल गवर्नमेंट का यही काम है कि भाई
जो अनरेस्ट और इमिटेटिंग रिपल इफेक्ट जो होता है होम बाइंग का, इसको रोका जाए, क्योंकि साथ ही साथ जो बॉर्डर इकोनॉमी है उसको भी इफेक्ट करेगा। इनको 83.5 मिलियन डॉलर का पेमेंट करना है, जिसका 2 बिलियन डॉलर का ऑफशोर बॉन्ड है और 47 मिलियन डॉलर का डॉलर बॉन्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं किया गया तो इनको डिफॉल्ट करके घोषित किया जाएगा, और यही वो डिफॉल्ट वर्ड होता है जो आगे जाकर के बैंकरप्सी की तरफ जाता है। हमने रिलायंस को देखा हुआ है, हमने यस बैंक को भी देखा हुआ है, जब ये डिफॉल्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं तो किस तरह का इफेक्ट कर देते हैं। एक तो पहले तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट हट जाएगा, वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे पैसा निकालना शुरू हो जाएगा, कंपनी की मूवमेंट जो है वो बैंकरप्सी की तरफ होती हुई दिखाई दे सकती है। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है कि किसी तरह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो बना रहे, और जो रिपल इफेक्ट जो क्रिएट होने वाला है उसको कहीं ना कहीं एवरग्रेड के साथ ही रोक दिया जाए। बाकी की कंपनीज जो है उनको उनके प्राइस को या उनके स्टॉक वैल्यू का इफेक्ट ना हो, लोगों को समझाया जाए कि भाई यहाँ पे ही रुको, इससे आगे इफेक्ट को जाने मत दो। बाकी के कंपनी स्टेबल हैं, जो कंपनी स्टेबल है अच्छे हैं वहां से पैसे मत निकालो। कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है दोस्तों, हर कोई डरता है। अगर मैं सही कहूँ, इंडिया का मार्केट आप देख रहे हो कितना ऊपर चला गया, 60,000 आज BSE टच कर सकता था। यहाँ पर आप सोचिए, ऐसे सिचुएशन भी लोग डर रहे हैं, डरना लाजमी है दोस्तों। इतने बड़े लेवल पर आज ये मार्केट पहुंच चुका है, वहां से अगर गिर जाता है तो भागना बहुत मुश्किल हो सकता है दोस्तों। बबल है, बहुत फूला हुआ है, कितना सच है कितना झूठ है ये तो फूटने पे पता चलेगा, क्योंकि मार्केट का डेप्थ जो होता है या हाइट जो होता है उसे मापा नहीं जा सकता। ये था वीडियो एवरग्रेन के बारे में दोस्तों। अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।